किशिदा ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, जापान सिक्योरिटी कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है ताकि हालात से निपटा जा सके। पूरे जापान में एयर रेड सायरन का अलर्ट इस वक्त बजता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आपको सुनाई दे रहा होगा, जापान में लोगों को तुरंत शेल्टर लेने का अलर्ट जारी हुआ है। ये एयर सायरन है जो लोगों को अलर्ट कर रहा है, वार्निंग दे रहा है। तो देखिए, न सिर्फ टेंशन बढ़ी है बल्कि जापान के अंदर जबरदस्त बेचैनी भी नजर आ रही है। इमरजेंसी मीटिंग की कॉल दी गई है, सायरन बज रहे हैं जापान के अलग अलग शहरों में। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल अनुराग शुक्ला मेरी दाई तरफ मौजूद हैं, कमांडर राजीव सरदाना मेरे साथ हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जापान वर्सेस नॉर्थ कोरिया का जो ये नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है, चतुर्वेदी जी किस तरह से आप इसे देखते हैं, क्योंकि जापान में इस मिसाइल टेरर के बाद जबरदस्त दहशत नजर आ रही है। बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन एक चीज मैं समीर आपसे कहना चाहूंगा जी कि नॉर्थ कोरिया की जो लीडरशिप है, आज मैं इस बड़े डिग्निफाइड वर्ड का यूज कर रहा हूँ, अनप्रेडिक्टेबल है। उनको शायद खुद भी नहीं मालूम कि वो क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये मिसाइल का जो परीक्षण किया है या जानबूझ के कुछ किया है या एक्सीडेंटल बताएंगे बाद में, किस लिए किया है कोई नहीं जानता, सिवाय उनको जरूर कुछ मालूम होगा। लेकिन एक जगह और एक लीडर जिसको कि मैं समझता हूँ कि कोई भी किसी प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ नहीं कह सकता कि यहाँ इस तरह का होगा, उनका हर एक्शन एक डिग्निफाइड भाषा में ही कहूंगा कि अनप्रेडिक्टेबल है। यूके देवनाथ सर, लेकिन 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 अगर उससे थोड़ा सा मैं एक एक उसमें आयाम जोड़ के ये प्रश्न उठाऊं कि जापान, चूंकि इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए टेरिफाई जापान हुआ है इस एक्शन से, और जापान हाल के दिनों में अपने आप को मिलिटराइज करने की तरफ बढ़ रहा है, क्या ये दोनों डॉट्स आप जोड़ पा रहे हैं? जी हाँ रवि, आपने एकदम सही फरमाया। अगर हम याद करें तो पिछले हफ्ते ही जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर सी ऑफ जापान में एक बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज की थी, जिसमें कि अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रेगन को भी डिप्लॉय किया था। इसके बाद से ही किम नॉर्थ कोरिया की जो लीडरशिप है वो किम बहुत ही परेशान है, गुस्से में है, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसीलिए उन्होंने खास तौर से इस IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। मैं बता दूं कि ये इसमें खास बात यह है कि पिछले हफ्ते ही उन्होंने 5 और ऐसी मिसाइल दागी थी, लेकिन वहां सब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी जो कि नॉर्थ कोरिया से लॉन्च करने के बाद सी ऑफ जापान में ही स्प्लैश कर गई जी। ये पहली बार हुआ है कि एक IRBM को लॉन्च किया गया और ये जापान के ऊपर से उड़ते हुए प्रशांत महासागर में। बिल्कुल सर, देखिए देखिए, ये जापान वर्सेस नॉर्थ कोरिया की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन वर्सेस रशिया भी तो नहीं थम रहा है। यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस का विध्वंसक ट्रेलर, रूस ने अपनी घातक मिसाइल इस्कंदर फायर की, फ्रंटलाइन के आसपास तैनात किया गया मिसाइल सिस्टम। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसका बकायदा वीडियो भी जारी किया है। तो यहाँ पर भी तनाव जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, 200 से ज्यादा दिन हो गए हैं और अभी भी इंतजार ही किया जा रहा है कि हालात सामान्य हो। तो कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर राजीव सरदाना सर ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, ये स्थिति तभी संभलेगी जब रशिया के जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हैं स्पेशल ऑपरेशन के, जब वो पूरे हो जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर तनाव कम होने का कोई मतलब ही नहीं है जी। लेकिन आप समझते हैं सर, आपको लगता है कि ये जो हम 7 महीने हो चुके हैं जंग अब तक जारी है, अब रूस ऐसे डराने की कोशिश कर रहा है इस्कंदर मिसाइल के जरिए, ये कोशिश कर रहा है कि ये युद्ध तो अंत नहीं होगा और हम दिखावा तो करते रहेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस रूसो यूक्रेन वॉर में जो रूस के ऑब्जेक्टिव थे वो ड्यूरिंग द वॉर चेंज हुए। शुरू में उन्होंने सोचा वो कीव तक पूरे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेंगे, फिर बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने अब लुहांस, दोनेस्क और जपोरिजिया और उड़ीसा तक का एरिया चाहते, मेरे ख्याल से खार्किव भी उनके ऑब्जेक्टिव में है। लेकिन
लेकिन खार्किव में चल नहीं रही ना सर, खार्किव में चल नहीं रही। खेरसोन जो है वो तो मिला लिया गया है, ज़ेपोरिजिया, लुहांस, डोनेस तो एक तरह से पहले ही उनका प्रभुत्व वहां पर माना जाता था, तो ये चार जो प्रांत हैं ये तो रूस ने अपने आप में मिला लिया है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ के कुछ इलाके भी हमने वापस जीत लिए। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।